अब पटना से हावड़ा सफर करना और भी आसान हो जाएगा। और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे पटना से हावड़ा आखिर हाई स्पीड जो ट्रेन का ट्रायल किया गया था, इसमें रेलवे कहां तक सक्षम हुई है। इस पर आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है और इस वीडियो अपडेट में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो में बने रहिए। चैनल को अगर आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे रेलवे का सारा न्यूज अपडेट आपको मिलता रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पटना से हावड़ा जाने में लगभग 10 से 12 घंटे लगता है। कई कई ट्रेन में तो आपको 9 घंटे में भी सफर करने का मौका मिलता है। लेकिन हम बात करें पटना हावड़ा रेलखंड के ट्रैक पर हाई स्पीड से दौड़ने वाली ट्रेनों के बारे में। पटना हावड़ा रेलखंड पर पहले पुराने पुल से ट्रेन को गुजारने के दौरान स्पीड कम कर दी जाती थी। इसके स्थान पर नए पुल का निर्माण कर इन बाधाओं को दूर कर दी गई थी। इसके अलावा बंसीपुर से मननपुर के बीच पुराने ट्रैक के स्थान पर नए ट्रैक को लगाने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था और ट्रैक बदलने के साथ साथ धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार भी बढ़ गई। पहले मननपुर से बंसीपुर के बीच ट्रेन की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर रफ्तार बढ़ाते हुए स्पीड ट्रायल भी किया गया। अब पटना से हावड़ा के बीच अगर आप सफर करते हैं तो फिर आपको कम समय में सफर करने का मौका मिलेगा। साथ ही कुछ ट्रेनों को स्पीड भी बढ़ाने की यहां पर योजना बनाई गई है, जिसमें कि दुरंतो एक्सप्रेस के साथ जन शताब्दी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। इस रूट की राजधानी एक्सप्रेस का तो स्पीड पहले से ही बढ़ा हुआ है, इसके अलावा शताब्दी और दुरंतो को भी स्पीड बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर स्पीड बढ़ाने के साथ साथ स्टेशन से बाहर ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है और ट्रेन की स्पीड बढ़ाए जाने से इसका सीधा लाभ यात्रियों को मिलेगा। पहले से कम समय में यात्री अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाएंगे। वहीं पहले यात्रियों को ट्रेन के इंतजार में घंटों तक स्टेशन पर रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेलवे का सारा न्यूज अपडेट मिलता रहे।